वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बार अपना छठा आम बजट पेश करने वाले हैं। अपने आप में यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन देश के एक वित्त मंत्री ऐसे भी थे जिन्होंने बजट पेश करने में एक रिकॉर्ड कायम किया था। बाद में यह देश के प्रधानमंत्री भी बने थे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहे मोरारजी देसाई ने कुल 10 बार बजट पेश किया, जिसमें 2 बार अंतरिम बजट भी शामिल हैं। 2 बार मोरारजी देसाई ने अपने जन्मदिन को भी बजट पेश किया था। 1959-60 से 1963-64 के बीच 5 बार, 1967-68 और 1959-70 के बीच 3 बार, 1962-63 और 1967-68 के अंतरिम बजट भी पेश किया था। 1964 और 68 में मोरारजी देसाई ने अपने जन्मदिन पर बजट पेश किया था। मोरारजी देसाई ने अपने जन्मदिन पर 1968 में पेश किए गए बजट में उद्योगों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया था। तब तैयार माल के फैक्ट्री गेट से बाहर निकलने से पहले एक्साइज विभाग द्वारा असेसमेंट किया जाता था। मोरारजी ने इस व्यवस्था में बदलाव किया था। अब कंपनियों को अपने सामान की सेल्फ असेसमेंट करने का अधिकार मिला हुआ था। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाने के बाद 2.5 सालों के बाद चुनावों में मोरारजी देसाई ने जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। इससे पहले मोरारजी देसाई कांग्रेस पार्टी के नेता थे, लेकिन इंदिरा गांधी से अनबन के चलते वो पार्टी से बाहर हो गए थे। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी दिल्ली।